परमेश्वर की धन्यवाद। आज एक बार फिर से सुबह परमेश्वर के सन्निधि में एक बार मिल के आने के लिए परमेश्वर एक अच्छा अवसर खोला, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर की कृपा बहुत अधिक हमारे जीवन में काम कर रहा है, इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में परमेश्वर के वचन से हम लोग कलीसिया के बारे में, कलीसिया के सदस्यों का नामीकरण के बारे में, नहीं तो भाइयों, जो प्रयोग कलीसियाओं की सदस्यों के नामीकरण के हिसाब से दिया गया है, उन विषयों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसी विषय को ही आधारित करके आज भी परमेश्वर के वचन से बोलना चाहता हूँ। आयुब के किताब 6वां अध्याय उसका 15 वचन, द बुक ऑफ जोब चैप्टर 6 वर्स 15। आयुब के किताब 6वां अध्याय उसका 15वां वचन, 6:15। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पे देख सकते हैं आयुब को, आयुब अपने दोस्तों से कुछ सवाल करने वाली चीजों को यहाँ पे देख सकते हैं। फिर एक बार पढ़ते हैं उसके साथ 15वां वचन, देखो ना, मेरे भाई नाले के समान विश्वासघाती हो गए हैं। यस जी, वरन उन नालों के समान जिनकी, हेलो, यहाँ पे योब आयुब अपने भाइयों के हिस्सों के बारे में बता रहे हैं, नहीं तो अपने भाइयों का जीवन के शैली के बारे में बता, जो उनके घर, वो जो उसके अच्छे करीबी दोस्त लोग थे, जो उसके करीबी भाई लोग थे, नहीं तो जो उसके साथ मिलजुल कर रहते थे, वैसे लोग ही उसके जीवन में कैसे बन गए, नाले के समान बन गए। बस नाले ही नहीं, उस नाले में क्या दिखाई दे रहा है, दुष्टता। हेलो, उस नाले में दुष्टता दिखाई दे रही है। जो योग की परिस्थिति के बारे में उनके दोस्त, नहीं तो उनको भाइयों को अच्छी तरीके से मालूम था। उसके 6वां अध्याय पहले वचन से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो देख सकते हैं, 6वां अध्याय से नहीं, उसका 4वीं अध्याय से ही शुरुआत करते वक्त देख सकते हैं कि योब के भाइयों, नहीं तो दोस्त लोग उसके निकट आकर उसे क्या करते हैं, बहुत प्रकार वचनों बातें बोलकर उसे क्या कर रहा है, उसे विरोध कर रहे हैं। हेलो, जो भाइयाँ उसके साथ रहना चाहिए, जो भाइयाँ उसको तसल्ली देना चाहिए, वही लोग क्या बन रहे, गंदी नाली के समान दुष्टता पूर्ण बातें करके उसको क्या कर रहे हैं, और भी बहुत दुखी उदासी बना रहे हैं। योब की परिस्थिति थोड़ा देखो, योब के जीवन में जो कुछ भी था, उसकी संपत्ति गई, उसके बच्चे मर गए हैं, उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई, उसका शरीर पूरी तरीके से नष्ट हो गया। उस समय में उसको क्या चाहिए थे, आत्मिक रीति से प्रोत्साहन की जरूरत है, मगर जो दोस्त लोग, जो भाई बनकर उसके साथ थे, वो लोग उसे आत्मिक रीति से उसे क्या नहीं कर रहे, कुछ भी प्रोत्साहन नहीं दे रहे थे। हेलो, they were acting decidefully, दुष्टता से पूर्ण भरे बातें से उसे क्या कर रहे हैं, और भी बहुत दर्द दे रहे हैं। एक बार फिर से उसके 15वां वचन पढ़े, मेरे भाई नाले के समान, हाँ, विश्वासघाती, डिसाइडफुल। हेलो, विश्वासघात का मतलब क्या है, धोखा देना, बातों से उसको क्या कर रहे, धोखा दे रहे। अरे नाला नाली है, मगर कैसी वाली, विश्वासघाती वाली, ए ब्रूक विच इज फुल ऑफ डिसाइडफुलनेस। आजकल के भाइयाँ भी ऐसे ही हैं। अरे जब एक व्यक्ति गिर पड़ रहा है, जब एक व्यक्ति क्या बोल, आत्मिक रीति से बहुत कठिनाइयों में से जा रहा है, अरे उसे मारना नहीं, कुचलना नहीं, आत्मिक रीति से बढ़ाना चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं,
बातों से अय्यूब को फंसा रहे हैं, बातों से अय्यूब को और भी क्या कर रहे हैं, दर्द दिलवा रहे हैं। ऐसे भाइयां भी है कलीसिया के अंदर जो कि दूसरों की परिस्थिति जानकर क्या करते हैं, लात मारते हैं, नोइंग देयर क्राइसिस किकिंग द पर्सन, परिस्थिति जानकर लात मारना, नहीं तो बातों से क्या करना, बहुत कठिनाई दिलवाने जैसा वाला। ऐसी परिस्थिति है किनकी, भाइयों की। उसके बाद क्या कहा गया, वो लोग कैसे दिखाई देते हैं, नाले के समान, मगर उस नाले में क्या बहती है, दुष्टता, नहीं तो क्या उसको बोलते हैं, ना 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 अविश्वास। नहीं नहीं एक बार पढ़ो 15 वचन। विश्वासघाती माने उनकी बात अविश्वास पूर्ण, नहीं तो विश्वास ना देने वाली हिस्से के, नहीं तो धोखा देने वाली हिस्से। ऐसी नली नाले नहीं चाहिए किसी को, किसी भाइयों को नहीं चाहिए। योग की परिस्थिति में अब उसके जीवन में और एक भी अवसर नहीं है आगे की ओर कामयाबी के लिए जाने के लिए, मगर वो परमेश्वर के ऊपर थोड़ा तो बहुत भरोसा कर रहा था, मगर जो भाइयां उनके निकट आए हैं वो लोग उसे क्या कर रहे थे, दबा रहे थे, मार रहे थे। इसलिए उसके 15 का आखिरी में क्या लिखा गया, वो नाले कैसे दिखाई देते हैं, कैसी, सूखी हुई। हेलो, इट इज ए ब्रुक विच गेट वैनिश्ड। अरे भाईचारा की जरूरत कब पड़ती है, हर समय एक व्यक्ति को जरूरत पड़ती है कलीसिया के अंदर भाईचारा का, जरूरत काय के लिए, क्योंकि अच्छे भी, अच्छे समय में भी, बुरे समय में भी क्या बन सकते हैं, अच्छी नाली के समान क्या कर सकते हैं, पानी की बहाव को चला सकते हैं। मगर इधर देखने वाले लोग कैसे भाई हैं, जो कि सुखाने वाले, सूख जाते हैं। हेलो, यहाँ पे देखने वाले उसकी 14वीं वचन अगर पढ़ेंगे तो देख सकते हैं, देखा ना कैसे है, नहीं नहीं उसकी 14वीं वचन, माफ करना 14 देखो, ऐसे परिस्थिति में अगर लोग दुख देने वाले वचन बोलेंगे, बातें बोलेंगे तो क्या करेंगे, लोगों को परमेश्वर को छोड़ जाने की वाली परिस्थिति। इसलिए अय्यूब बोलता क्या जाते हो, अरे तुम लोग मेरे भाई हो, तुम मेरे करीबी दोस्त लोग हो, तुम मेरे बहुत नजदीक वाले दोस्तों लोग हो, तुम लोग क्यों सूख जा रहे हो, व्हाई यू आर गेटिंग ड्राइड, व्हाई यू आर गेटिंग वैनिश्ड। अरे मेरे परिस्थिति को जानकर तुम मुझे आत्मिक रीति से, नहीं तो शारीरिक रीति से मुझे प्रोत्साहन देना चाहिए, मार मत दो। हेलो, परिस्थिति को देखकर बात करना सीखना चाहिए भाइयां, मगर इधर ये लोग क्या नहीं करते हैं, परिस्थिति के हिसाब से सीख नहीं रहे, दुष्टता पूर्ण, नहीं तो लोगों को बहुत दुखी देने वाला, नहीं तो लोगों को परमेश्वर से अलग कर देने वाला हिस्सों से लोगों को क्या, लोग क्या कर रहे हैं, भाईचारा दिखा रहे हैं, वो नहीं है बिब्लिकल सिस्टम। बाइबल के हिसाब से भाईचारा कैसा होता है, अच्छे पल में भी, दुखे पल में भी एक व्यक्ति को प्रोत्साहन देने वाला, एक व्यक्ति को आत्मिक रीति से क्या देने वाला, बढ़ोतरी देने वाला, नहीं तो एक अच्छी नाले के समान क्या करना चाहिए, प्रचोदन देना चाहिए। योब अपने दोस्तों से वो चाहता था मगर उसे वो नहीं मिला, इसलिए योग क्या कहता है, बहुत धीरी आवाज से
बहुत क्या बोलते हैं गुरुत्व रीति से अपने दोस्तों को बोल रहा है कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, ये तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा नहीं है, ये दया दिखाने वाली हिस्सा है ही नहीं, ये तुम्हें तुम लोग मुझे क्या कर रहे हो, मार रहे हो। अरे तुम दुनिया में ऐसी ऐसी नाले मत बनो जो कि केवल बर्फ की पिघलने पर बहने वाली नदी के समान मत बनो, भी हरदम कंटिन्यू फ्लो करना शुरू करो, स्टार्ट फ्लोइंग कंटिन्यूअली, वो है भाईचारा। अगर तेरी भाईचारा तेरे भाईचारा में अगर रोक टोक है वो कभी भी भाईचारा है ही नहीं। इफ देर इज ए ब्लॉकेज इन योर फ्लो यू आर नो वे ए ब्रदर। वो चीज को योग बता रहा है, तुम नाले हो बहुत अच्छे हो मगर इस नाले कैद करना चाहिए, हर 365 डेज बहता ही रहना चाहिए, 2400 घंटा बहता ही रहना चाहिए, सीजनली बहाना बंद करो, डोंट फ्लो इन अ सीजन। इफ यू फ्लो इन अ सीजन यू कैन नेवर बी ए ब्रदर इन अ चर्च। योग के जीवन शैली के अनुसार, योग के जीवन यापन का उस जमाने में जहां पे योग रहता था उसे नजदीकी एरियों में उसने नदियां और क्या बोलते हैं ब्रुक्स को देखा है, नदियों को देखा है, उसको मालूम है ये नदियां कब दिखाई देती हैं, जब बर्फ की पिघलता हुआ परिस्थिति, नहीं तो बर्फ जब तक रहता है तब तक ही ये नदियां दिखाई देती है। वैसे ही बन गए कैसे बहुत सारे भाइयां, मगर कलीसिया में परमेश्वर जो प्रयोग भाइयों का हिस्सा दिया है वो प्रयोग कैसा क्यों देने के कारण क्या है, ताकि हमें हमारे अंदर सुखाव आते वक्त भी दूसरा भाई हमें क्या करना चाहिए, उसकी नदी की झरना से हमें और भी प्रभावित करना चाहिए। एक नाली दूसरे नाली के साथ मिलने से क्या होगा, डबल शक्ति होगा। बारिश के सीजन में क्यों बाढ़ आती है, क्योंकि पानी की जो मात्रा है अधिक आने लगता है, वैसा ही आना चाहिए, वैसा ही रहना चाहिए भाइयों की संगति। इसलिए भाइयों की संगति के बारे में जब भाइयां मिलकर रहते हैं वो अभिषेक की पूर्णता है, वो अभिषेक की पूर्णता क्या होती है, बहने लगती है। इसीलिए एसेकेल बोलता क्या जानते हो ना, एसेकेल अपने जीवन में बोलता है कि मैंने देखा परमेश्वर के मंदिर से क्या पानी बहते हुए निर्जीव स्थानों को वो क्या करने लगा, बहता हुआ जीवन देकर जाने शुरू किया। वैसा एक बहाव भाईचारा के अंदर जरूरी है। अगर तुम्हें कोई भाई सीजनली बहता हुआ दिखाई दे, गेट आउट फ्रॉम देम, ऐसे लोगों से भाग जाओ, उनके साथ रिश्ता ही मत रखो। बाइबल की जो भाईचारा है वो सीजनल नहीं है, एवरीडे है, एवरी सेकंड, एवरी मंथ, एवरी टाइम। हेलो, तो आयुब के जो दोस्त लोग हैं वो लोग क्या सीजनली फ्लो करना सोच रहे हैं, एक जमाने ही बहेंगे, क्योंकि जब योब के पास सब कुछ था तब उसके दोस्त लोग को बोलने के लिए अच्छे अच्छे थी, अब योब का परिस्थिति में क्या नहीं, कुछ है ही नहीं, खाना तो देने के लिए क्या, उठकर कुर्सी में बैठाने के लिए भी उसके पास आरोग्य नहीं है। वैसे स्थिति में ये लोग क्या कर रहे हैं, बातों से उसे सता रहे हैं। आज कलीसिया के अंदर भी ऐसे लोग भी तैयार बन गए हैं, बाइबल के हिसाब से ये भाईचारा है ही नहीं, सीजनल। इसलिए योब अपने भाइयों को कह रहा है, सच्चे मन से कह रहा है, अरे तुम लोग क्यों सीजनली बह रहे हो, क्यों तुम्हारे अंदर दुष्टता से पूर्ण भरी है।
इसीलिए योब अपने जीवन में क्या किया जानते हो ना, बहता हुआ नाली के समान यीशु मसीह के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर आधारित होना शुरू किया। इसीलिए योग अपने जीवन में बोलता क्या, जो कुछ दिया परमेश्वर, जो कुछ भी हुआ सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर दिया परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर की ही हो महिमा। क्यों? क्योंकि योग को मालूम था परमेश्वर के निकट ही ऐसी झरना है जो मेरी जीवन का शैली को क्या कर सकता है, बहा के ले जा सकता है। अगर आत्मिक आत्मिक रीति की झरना में अगर एक व्यक्ति गिर जाता है तो उसकी परिस्थितियां, उसकी जीवन की समस्याएं उस नाले, उस नदी के प्रभाव से क्या होता है, बह सकता है और एक नया जीवन उस व्यक्ति को दे सकता है। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय में बोलते हैं, मैं जो पानी देता हूँ वो जो कोई भी पीता है वो कभी भी क्या नहीं होगा, प्यासा नहीं होगा। ऐसा प्यास बुझाने वाला वह क्या है, परमेश्वर की भाईचारा, वो है परमेश्वर की फेलोशिप, प्यास ना बुझाने वाला। नहीं तो हरदम हमें क्या करना चाहिए, पानी से सिंचन करने वाला। हेलो, इसीलिए योब ने क्या किया, अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा करना ही छोड़ दिया, परमेश्वर के ऊपर आधारित होना शुरू किया और वो परमेश्वर से तसल्ली पा रहा था। इसीलिए वो अपने दोस्तों को क्या कर रहा है, बता रहा है कि तुम भी क्या करो, नले के समान बहना शुरू करो, 24 घंटा बहना शुरू करो। अगर यशायाह के किताब 58:11 अगर पढ़ते तो उधर देख सकते हैं, Praise the Lord। देखो यहां पे क्या बताया गया है, परमेश्वर तुम्हें चलाएगा, ही विल गाइड यू, वो है मेरे परमेश्वर का अच्छापन। अगर कोई परमेश्वर के ऊपर आधारित होता है जीवन की कैसी परिस्थिति में, अच्छे हो या बुरे हो, परमेश्वर क्या करेंगे, गाइड करेंगे, चलाएंगे और क्या करेंगे, हमारे प्राण को तृप्त कराएंगे, सूखीपन से परमेश्वर हमें क्या कराएंगे, हेलो, सूखीपन से परमेश्वर हमें क्या कराएंगे, छुटकारा दिलाएंगे। हेलो, वो है परमेश्वर की श्रेष्ठता। प्राण की जो सूखीपन, उस अवस्था को परमेश्वर की गाइडेंस, परमेश्वर की सहायता क्या कर सकती है, आगे हल जाने की कामयाबी दिला सकती है। हेलो, उसके बाद क्या कहा है, और मेरे हड्डियों को वो क्या दे, शक्ति देता है। योग की परिस्थिति अब कैसी होगी, हड्डियों के समान हो गई, सूखी पड़ गई। उस परिस्थिति में योग परमेश्वर के ऊपर आधारित हो रहा है, होने के कारण योग कह सकता है कि मेरा गाइडेंस परमेश्वर है, मेरे प्राण का जो क्या बोलते हैं सुखाव को, मेरी हड्डियों की शक्ति परमेश्वर बन रहा है, क्योंकि परमेश्वर से मेरा शक्ति बनता है, परमेश्वर से ही मेरा प्राण का क्या मिलता है, रिहाई मिलता है, मेरे जीवन की चलाओ परमेश्वर से मिलता है। इसलिए आखिरी में क्या बताया गया, परमेश्वर मेरे लिए कैसे बनेंगे, बहता हुआ पानी के समान, वाटर्ड गार्डन। एक बार 11 वचन एक और बार पढ़ते हैं, हेलो, स्रोते का जल कभी नहीं सूखता, वो है परमेश्वर की संगति, वो है परमेश्वर की भाईचारा, वो है परमेश्वर के साथ वाला सहवास, इट नेवर फेल्स, इट नेवर गेट ड्राइज।
इसीलिए यीशु मसीह की उस बहाव कभी भी रोक नहीं आ सकती। इसीलिए ये योब के दोस्तों के अंदर उस बहना क्यों बंद हो गया, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के आधारित है ही नहीं थे, वो लोग आत्मिक रीति से नहीं थे, उनका जीवन आत्मिक चरिवा से नहीं था, क्योंकि इस धरती की चीजें इनको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। डैम क्यों बनाते हैं? सब सोचते हैं डैम बनाना फायदा है, नहीं, डैम बनाना बहुत नुकसान है। फायदा कुछ दिनों के लिए, मगर डैम बनाने से बहुत नुकसान ही होती है। क्यों? उसको रोक लग जाता है। रोक लगने पर क्या हो जाती है, जहां पानी बहना चाहिए वहां पानी बह नहीं रहा है। इसीलिए जब पानी का बहाव जब ज्यादा हो जाता है तब क्या होता है, रोक टोक को भी तोड़ के निकल जाता है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, डैम की ओपनिंग्स को ओपन कर देते हैं। क्यों? ताकि वो डैम को तोड़ ना जाए, डैम टूट ना जाए। अगर आत्मिक भाइयों के बीच में कुछ ना कुछ हिंडरेंस ब्लॉकिंग है, तो वो जो कुछ भी है वो क्या है, परमेश्वर से है होने वाली चीजें ही नहीं है। परमेश्वर से होने वाली चीजें हरदम बहती ही रहेगी। इसीलिए ना यीशु मसीह अपने चेलों के साथ मिलकर 5 रोटी 2 मछली साथ में लेकर दुआ कर लोगों को देते वक्त वो क्या हुआ, मल्टीप्लाई होते रहे, बहता रहा। कब रुका? जब लोग तृप्त हुए तब रुका। जब लोगों की भूखापन मिट गई तब रुकी। हेलो, इसीलिए आज सुबह के समय हमें सोचना चाहिए, हम भाईचारा के अंदर हैं तो हमें बहती नाली के समान रहना चाहिए। दूसरों की सूखी परिस्थिति में हमें भी उनको भी बहने के लिए प्रोत्साहन देना जरूरी है। अगर हम नहीं बहते हैं तो दूसरों को कैसे बहने दे सकते हैं? लो, अगर हम बहते, अरे परमेश्वर बहता, बहने बहते समान परमेश्वर की सानिध्य, परमेश्वर की गाइडेंस, परमेश्वर की स्ट्रेंथ, परमेश्वर की सैटिस्फैक्शन हमें क्या करती है, आत्मिक तौर पर बढ़ने की प्रचोदन देती है। अगर योब को उनके दोस्त लोग, उनके भाई लोग अगर उसे प्रचोदित वाली वचनों बोलकर आधारित करके रखता, तो योब अपने जीवन में निरुत्साह नहीं बन जाता, डिप्रेस नहीं होता। आजकल लोगों का डायलॉग है, किसी चीजों के लिए हम लोग अगर गवाही बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं मेरे घर में खाने के लिए है ही नहीं, मुझे थोड़ा सहायता दीजिए, बोलते हैं विश्वासी लोग, बोलते हैं हाँ हम लोग मिलके प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनके घर में कौवा को भेजे, तो तू क्यों कर चर्च को आया? तो अरे कोई किसी की ही जरूरत को पेश करते वक्त अरे हमें भी उसके साथ बहना चाहिए। अगर बह पाते हैं, बहने की एक हिस्सा दिलाओ, ठीक है तेरे घर में 10 किलो चावल है, 1 किलो तो दे दो, कुछ मत दो, 1 किलो तो दे दो, ठीक है 1.25 किलो तो दे दो। हेलो, बहना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर के आश्रयवान लोग कभी भी ब्लॉक्ड नहीं होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर एदन की वाटिका जो बनाई थी, उस एदन की वाटिका में जो पानी थी, पानी की बहाव क्या कर रही थी, 4 नदियां थी, उस 4 नदियों की पानी क्या करती थी, उस वाटिका को हरदम क्या करती, सिंचन करके रखती थी। इट यूज टू वाटर, क्योंकि वाटिका कभी सूखनी नहीं चाहिए। हेलो, कब सूखा आ जाती है? गर्मी ज्यादा होने का कारण क्या है? पानी नहीं, पानी क्यों नहीं रोका जा सकता है? क्योंकि हमने पेड़ पौधा सब काट दिया, तो पानी कैसे रुक सकती है?
इसीलिए ना वाटिका में परमेश्वर एदन के वाटिका में पेड़ पौधे उगाए, नदियां भी दिए, क्यों? ताकि वहां पे पानी की, वाटर की जो लेवल है, मात्रा है, जो क्या बोलते पानी की जो टच, उस जगह पे रहना जरूरी है। अगर पेड़ों को ही काट देंगे तो क्या होगी, पानी की बहाव रहेगी, निकल जाएगी। इसलिए भाइयां हमें क्या करना चाहिए, भाइयां जो कलीसिया में जो नामीकरण भाइयों का हिस्सा दिया गया है, क्यों दिया गया? ताकि हम बहते रहे। बहने के कारण क्या हो सकते हैं, दूसरों के सुख दुखों में भी हम क्या कर सकते हैं, भागीदारी बन सकते हैं, उनको हम सिंचन दे सकते हैं, उनको हम गाइड कर सकते हैं, उनके प्राण को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, उनके क्या बोलते हड्डियों को बल दे सकते हैं, और झरना के समान झरने के लिए Praise the Lord। अब उसी प्रोवर्ब्स के 18:9, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18:9, हेलो, जो काम में हाँ आलसता केयरलेसनेस दिखाता है वो किसका, डिस्ट्रॉइंग, ही इज ए ब्रदर हु डिस्ट्रॉयस। हमें आत्मिक जीवन में केयरलेस नहीं होना चाहिए, वी शुड नॉट बी केयरलेस इन अवर स्पिरिचुअल लाइफ। आत्मिक जीवन में हमें केयरलेस नहीं होना चाहिए, केयरलेस मतलब बिंदास बोलते हैं ना, बिंदास, सुने हो बिंदास, क्या है उसका अर्थ, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, नो वैसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए आजकल लोग आत्मिक जीवन में बिंदास हो गए, बिंदास होने पर क्या कर रहे हैं, अपने भाई को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हो सकते हो तुम आत्मिक जीवन में, नहीं तो परमेश्वर के वचन के आधार सब चीजों में तुम बहुत अच्छा ज्ञान है, मगर अगर तुम्हारे अंदर केयरलेसनेस है, बिंदासीपन है, तो तुम क्या कर रहे हो, कलीसिया के भाई को सताव देने वाले व्यक्ति बन रहे हो। यू आर बिकमिंग ए पर्सन हु इज परसिक्यूटिंग हिज ओन ब्रदर, जो कि अपने खुद का भाई को वो क्या कर रहा है, सताने वाली हिस्सा में हाथ बंटवा रहा है। हेलो, इसीलिए प्रोवर्ब्स 18:9 बताता है, डोंट बी केयरलेस इन योर स्पिरिचुअल लाइफ, तेरी आत्मिक जीवन में केयरलेस मत बनो। केयरलेस बनना उसका अर्थ क्या है, कोई काम ना करना, चुपचाप बैठे रहना, दूसरों का काम का फायदा लेना, वो है केयरलेसनेस, आलसीपन। वैसे व्यक्तियां क्या करेंगे, भाइयों का जीवन को नष्ट करेंगे, कभी भी किसी भाई का उन्नति नहीं देंगे। सोच के देखो, एक कलीसिया का लीडर, एक चर्च का एल्डर, मुखिया अगर केयरलेस है तो विश्वासियों का परिस्थिति कैसा। कैसा रहेगा, वो एक व्यक्ति काफी है कलीसिया का सदस्यों को आत्मिक रीति से मारने के लिए। अच्छा हुआ यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक कौन था, चोर था, मगर यीशु मसीह होने के कारण उस चोर का प्रभाव बाकी 11 के ऊपर नहीं आ पाया। हेलो, यूदा की केयरलेसनेस
बाकी लोगों के ऊपर नहीं आया, मगर बीच में आया। आने पर भी परमेश्वर यीशु ने उन्हें क्या कर दिया, उस उन सब चीजों को तोड़ डाला। हेलो, जबकि कलीसिया के अंदर केयरलेसनेस की परिपूर्णता कलीसिया के अंदर आती है, तभी हमें क्या करना, आत्मिक व्यक्ति लोगों को क्या करना चाहिए, उन केयरलेस हिसाबों को क्या करना, तोड़ डालना है। इसलिए भाइयां किसी की नष्ट करने वाला नहीं होना चाहिए, भाइयां केयरलेस नहीं होना चाहिए, दूसरों के लिए ट्रैप नहीं बनना चाहिए। हेलो, प्रेज़ लॉर्ड। अगर मत्ती लिखित सुसमाचार 12वां अध्याय का उसका 30 अगर पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 30, मत्ती लिखित सुसमाचार 12वां अध्याय उसका 30वां वचन, हेलो, जो कोई परमेश्वर के साथ नहीं वो क्या है, परमेश्वर का क्या है, विरोधी है। तो उसका परिस्थिति क्या है, अगर कोई परमेश्वर का विरोध करता है उसका परिस्थिति क्या है, वो परमेश्वर से धीरे 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 अलग हो जाएगा। हमारा केयरलेसनेस हमें परमेश्वर से बहुत दूर करने की हिस्सा दिला सकती है। आत्मिक जीवन की केयरलेसनेस हमें परमेश्वर से अलग कर सकता है। इसीलिए यहां मत्ती लिखित सुसमाचार 12:30 में कहा गया है क्या, अगर तुम परमेश्वर से दूर हो रहे हो वो तुम्हारा जीवन को नाश में लेके जा रहा है। इस्करियोत यहूदा परमेश्वर से दूर हो रहा था तो उसका क्या, उसका नाश वो खुद तैयार कर रहा था। ही वॉज मेकिंग हिज ओन वेज टू गेट स्कैटर्ड। इसलिए भाइयां ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर भाईचारा में केयरलेसनेस आत्मिक जीवन में आ रहा है उस केयरलेसनेस को तोड़ो। केयरलेसनेस को तोड़ो, तोड़ के परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करने की तैयारी करो। स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर द लॉर्ड। आजकल का सब लोगों का माने इच्छा क्या है, मतलब वो लोग खाली रविवार के दिन और शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन, संडे के दिन चर्च आएंगे, बाकी दिन पूरा अपने काम में व्यस्त, केयरलेस बन रहे, इट इज केयरलेसनेस। तो सुसमाचार कौन करेगा, पास्टर जी? सब कोई लोगों का सोच विचार क्या है, हम लोग पैसा कमा रहे हैं, पास्टर जी को एक 5,000-10,000 एक्स्ट्रा दे देंगे, वो सेवकाई करो। नो, पास्टर जी के ड्यूटी नहीं है सेवकाई करना। पास्टर जी का ड्यूटी क्या है, जो कलीसिया बनकर आते हैं उनको सिखाने का काम है पास्टर जी का। कलीसिया के अंदर विश्वासियों को लाने का काम किसका है, विश्वासियों का है। ये तू 6 दिन काम कर, मगर तेरी 6 दिन के कामकाज में तू काम किसके लिए कर रहा है, परमेश्वर की महिमा के लिए, ओके, ना खुद के पैसे के लिए। आजकल लोग क्यों काम कर रहे भी नहीं मालूम। बाइबल कहता है जो कुछ भी कर रहे हो परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हो। अगर ऐसा है तो 6 दिन तुम काम कर रहे हो किसके लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। अगर तुम 6 दिन परमेश्वर की महिमा के लिए काम कर रहे हो तो उस महिमा के अनुसार तुम कितने लोगों को कलीसिया के अंदर लाते हो। ओके, 6 दिन में तो लाए तो नहीं, नहीं, नहीं। 6 दिन में नहीं लाए तो नो प्रॉब्लम। अरे 1 साल में 365 डेज में 250 दिन तो ऑफिस जाते हो, कितने लोग, एक आदमी को तो लेके आओ। अगर नहीं लाते हैं वो केयरलेसनेस है।
जो काम परमेश्वर तेरे को दिए हैं, जो जगह पे तेरे को परमेश्वर रखे हैं, उस जगह पर तू परमेश्वर का स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, तेरे इन्वॉल्वमेंट से आत्मिक लोगों की तैयारी नहीं हो रही है, वो तेरा केयरलेसनेस बन रहा है। यू आर बीइंग केयरलेस। अगर वो व्यक्ति केयरलेस बन रहा है तो दूसरे व्यक्ति को भी केयरलेस बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? सोच के देखो, एक कलीसिया में अगर 25 विश्वासियां हैं, 25 विश्वासियां एक एक साल में एक एक विश्वासियों को, एक एक व्यक्तियों को चर्च के अंदर लाएंगे, तो नेक्स्ट ईयर चर्च का संख्या कितना होगा? 25 विश्वासियां हैं, 25 विश्वासियां एक 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 साल में एक 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 व्यक्तियों को कलीसिया के अंदर ला रहे हैं, तो अगले साल कितने विश्वासी होंगे? 50। तीसरे साल, पहला साल 25, दूसरा साल 50, तीसरा साल जब हो गया वो क्या हो रहा है? 50 और डबल 100। चौथा साल, पांचवा साल 200। छवा साल, अरे 10 साल तक की क्या संख्या होगी कलीसिया की? इट इज स्पिरिचुअल केयरलेसनेस दैट इज ब्रेकिंग द चर्च। कलीसिया की भाईचारा को आत्मिक केयरलेसनेस तोड़ रहा है। तुम्हें हो सकते हो, तुम परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में प्रोफेसर हो, मगर तेरे अंदर आत्मिक केयरलेसनेस अगर आ जाता है, तू कलीसिया को तोड़ रहा है, तू भाईचारा को तोड़ डाल रहा है। हेलो, उस चीज को परमेश्वर तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। हमें बहनी चाहिए ना, नाले के समान बहनी चाहिए। नाले की अच्छी पहचान क्या है जानते हो ना? जब वो बहता है, बड़ी बड़ी चट्टानों को भी वो क्या करता है? वो रेत बना कर जाता है। अरे बड़े बड़े चीजों को भी वो उठाकर पानी की बहाव में ले जा सकता है। वो है नदी की श्रेष्ठता, वो है पवित्र आत्मा की सहवास। पवित्र इसलिए कहा जाता है, पवित्र आत्मा की बहाव अगर भाइयों के बीच में है, कलीसिया के अंदर है, तो क्या कर सकता? उस बहती झरना में लोगों को क्या कर सकता है? पत्थरी हृदय वाले लोगों को कट कट करके ला जा सकता है, रेत बना सकता है, बालू बना सकता है। हेलो, इसीलिए यीशु मसीह अपने चेलों को क्या किया? बोला, मेरे जाने के बाद तुम केयरलेस ना बनो, डोंट बी केयरलेस। केयरलेस तुम्हारा केयरलेस था तुम्हारा, इसीलिए ना यीशु मसीह के जाने के माने यीशु मसीह का पकड़ा जाने पर तुरंत चेले लोग केयरलेस हो गए और क्या काम के लिए निकल गए? हेलो, मछली पकड़ने के लिए कि निकल गए? नहीं तो पुराना जो काम थी वही काम में वापस चले गए। क्यों? अरे अभी यीशु मसीह है नहीं ना, चलो छोड़ो, अब यीशु मसीह हमारा साथ नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम, हम केयरलेस बने। क्या हुआ? केयरलेसनेस उनको क्या किया? परमेश्वर से थोड़ा 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 दूर ले जा रहा था। आया ना, उस दूरी को, उस केयरलेसनेस को यीशु मसीह ने तोड़ दिया। इसलिए क्या किया यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने से पहले अपने चेलों को उत्तेजन करने के लिए, उनके केयरलेसनेस को हटाने के लिए परमेश्वर उत्तेजन करके बोल रहे, मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग सून, मैं अपने चोर भाइयों को मिलने के लिए आ रहा हूं, इसलिए सब मिलकर रहो, बी यूनाइटेड टूगेदर, आई एम कमिंग, आई एम हियर टू रिमूव योर केयरलेसनेस, मैं तेरे अंदर की केयरलेसनेस को हटाने के लिए आ रहा हूं। इसलिए यीशु मसीह क्या किए? अपने चेलों को मिलने के लिए कहा, घर के अंदर आए, तभी भी थोमा वहां नहीं था। इफ यू आर केयरलेस, व्हाट अबाउट द अदर ब्रदर्स?
अगर तू केयरलेस बन गया तो बाकी लोगों का क्या? इसीलिए आज सुबह के समय जो कुछ भी केयरलेसनेस है, उस केयरलेसनेस को आज हमें क्या करना चाहिए? हटा देना चाहिए। हमें परमेश्वर, वी आर इन इन क्राइस्ट, हम परमेश्वर के साथ हैं, तो बाकी लोगों को भी परमेश्वर के साथ रखने की कोशिश करना चाहिए। वही अभिषेक जो हमारे अंदर परिपूर्ण है, वही अभिषेक के बहाव में अपने भाइयों को भी साथ मिलाना जरूरी है। जो वह वचन की गहराई में हम आश्रयवान हैं, उसी वचन की गहराइयों में से दूसरों को भी आश्रयवानित करने के हिस्सा से हमें भी दूसरों को प्रचोदित करना जरूरी हिस्सा है। वो है भाईचारा। इसीलिए पहली शताब्दी की कलीसिया केयरलेसनेस को हटाने के लिए क्या कर रहे थे? इधर 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 उधर इधर उधर घूम घूम के सेवकाइयां करते थे। उनको रेस्ट नहीं थी, इसलिए वो लोग क्या करते, हर दिन वो लोग जहां जहां मिलते थे, हर दिन मिलते थे। आजकल क्यों हफ्ते में दो दिन क्यों मिलते हैं? पक्का केयरलेसनेस है। हेलो, पक्का केयरलेसनेस है। आया ना, पक्का केयरलेसनेस है कि नहीं? ऐसा बोलने से समझ में नहीं आया। अरे हमारे देश में जो क्लब है, क्लब जो क्लब में मेंबरशिप पाया है, वो क्या करेगा? हर दिन क्लब में जाएगा। क्यों है? वो क्लब की जरूरत ही हिस्सा है कि मेंबरशिप पाया हुआ व्यक्ति आना जरूरी है। आया ना? आया ना? तो जो आदमी जो भी काम करेगा, कैसा भी हिस्सा करेगा, जहां कहीं भी नौकरी करेगा, क्लब में मेंबरशिप पाया हुआ व्यक्ति क्लब जाएगा ही। क्यों? क्लब की मेंबरशिप 1,000-2,000 रुपए की नहीं, करोड़ों की है, लाखों की है। जब लाखों की पड़ी तब रेगुलर जाएंगे, जब आशीष की पड़ी तब हफ्ते में दो दिन। अट्टर केयरलेसनेस है। एक साल में कितना दिन, एक महीने में कितना दिन उपवास, एक हफ्ते में कितना दिन उपवास, एक साल में कितने जगह सुसमाचार करने जाते हो, एक साल में कहां कहां तुम अपने परिवार के साथ सेवकाई में हिस्सा कितना दिन देते हो? अगर नहीं देते हो, इट इज परफेक्टली केयरलेसनेस। इसीलिए आज सुबह के समय पवित्र आत्मा फिर से हमें याद दिला देता है, हमारी केयरलेसनेस को हटाने के हिस्सा के हम समान परमेश्वर की आत्मा की शक्ति आज भी कलीसिया के अंदर उतर रही है। इसीलिए प्रेरितों को परमेश्वर ने क्या किया, मैं जा रहा हूँ, मैं जाने से पहले मैं क्या करूँगा, तुम्हारे लिए है एक सहायक योगी पवित्र आत्मा को मैं तुम्हारे साथ देने वाला हूँ, तुम्हारे अंदर देने वाला हूँ। वो तुम्हारा केयरलेसनेस को क्या करेगा, दूर हटाएगा, और तुम्हारे अंदर की दुष्टता को क्या करेगा, भिन्नता को क्या करेगा, दूर हटाने के हिसाब से मैं तुम्हारे अंदर बहने वाली उस पवित्र आत्मा की अभिषेक से मैं तुम्हें पूर्ण करने वाला हूं। इसीलिए यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने से पहले चेलों के साथ आकर 40 दिन तक मिले, बातचीत किए, उनकी केयरलेसनेस को हटा दिए। उनके अंदर एक नयापन परमेश्वर लेके लाए। ये एक रीति का भाई है। और एक पढ़ते हैं मत्ती लिखित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 3 से लेकर 5वां वचन तक। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 verse 3-5। हाँ, फिर
देखो ये एक टाइप की भाइयां हैं, इनका काम क्या है, दूसरे लोगों को न्याय करना, ये है उनका काम। वहां पे बताया गया तीसरे वचन में क्या लिखा गया है, एक भाई के आंख में क्या पड़ी है, हाँ? एक बड़ी, अरे खुद के आंख में बड़ा सा लकड़ी पड़कर रखकर दूसरे के आंख में छोटा सा एक घास पड़ गया, वो देखने पर ये बड़ा सा लकड़ी आंख में रहने वाला व्यक्ति जाकर उस घास जिसके आंख में पड़ी है उस भाई के निकट जाकर उसे क्या कर रहा है, समझा रहा है, अरे वो घास को निकाल। ऐसे लोग हैं, अपने आंखों के अंदर बड़ी सी लकड़ी जो इतना अच्छी तरीके से दिखाई देता है उस चीज को निकालने के लिए वो लोग तैयार नहीं। ये लोग दूसरे लोगों का फायदा करने के लिए जाते हैं, किनके, जिनके आंख में क्या घुस गया, एक छोटा सा घास। ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, आत्मिक बढ़ोतरी है। इसलिए पांचवां वचन में बताया गया परमेश्वर क्या उसे बुलाते हैं, हे कपटी, हेलो एक्टर्स, प्रिटेंडर्स। हेलो, कितने भाई लोग चर्च क्यों आते हैं, एक्टिंग करने के लिए। पहले ये लोग मूवीज देखते थे, मूवीज में क्या होता था, सिनेमा देखते थे, सिनेमा में क्या करता था, कोई एक्टिंग करता था, ये लोग देखते थे, रोते थे। अभी ये लोग चर्च के अंदर आ गए, सिनेमा देखना छोड़ दिए, खुद एक्टिंग करना सीख गए। हालेलुया। हेलो, खुद एक्टिंग करना सीख गए, सिनेमा स्टार से भी अच्छा एक्टिंग कर लेंगे। कहाँ, कौन, चर्च के भाइयां। प्रेज लॉर्ड, नहीं बोली। हेलो, परमेश्वर उनसे ऐसे लोगों को क्या बुला रहे हैं, खपटियां, एक्टर्स, प्ले स्टार, प्रिटेंडर्स। क्यों ऐसे कर रहे हो, किसे दिखा रहे हो, मूवी छोड़ दिए मगर एक्टिंग सीख गए, सिनेमा छोड़ दिया देखना मगर एक्टिंग सीख गए। वो नहीं पवित्रता, वो नहीं भाईचारा। इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं, हे कपटियो, पहले तुम अपने आंखों के अंदर की, हाँ, उस बड़ी सी लकड़ी को निकालो, तब तुम क्या कर सकते, दूसरों के आंखों के अंदर अच्छी तरीके से देखकर उनके अंदर की घास को भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। बोलना अलग है, निकालना अलग है। हेलो, इसका अर्थ क्या है, परमेश्वर यहां पे एक ही चीज बता रहे हैं, क्या, पाप की गहराई, तेरे खुद के अंदर बहुत सारा बड़ा बड़ा पाप है रखकर दूसरे लोगों को मन फिराव का बात बोल के क्या फायदा, दूसरे लोगों को पवित्र आत्मा के बारे में क्या बोल के क्या फायदा, दूसरे लोगों को कलीसिया में मिलके आना, कलीसिया में आना है बोल के फायदा क्या। अरे तेरे अंदर उस चीज को दिखा, जब तेरे मैसेज में वो नहीं है, जब तेरे प्रार्थना में जो कुछ नहीं है वो दूसरों के ऊपर मत दिखा, वो एक्टिंग है, कपटीपन है। मैं खुद प्रचार करूंगा और मेरे परिवार कलीसिया नहीं आएगी तो मैं प्रचार करके क्या फायदा, मैं अपना फैमिली को सुसमाचार बोलने के लिए लूंगा नहीं और सब गांव वालों को बोलूंगा सुसमाचार के लिए आओ, कौन आएगा। है? मैं खुद चर्च की फाइनेंसेस सपोर्ट नहीं करूंगा, हैंडल नहीं करूंगा, दूसरों को हैंडल करने बोलने से कौन हैंडल करेगा। इसलिए परमेश्वर हमको एक एक उदाहरण देके बोल रहे हैं, कपटीपन को हटाओ,
कपटीपन को हटाओ, एक्टिंग बंद करो। किसके सामने एक्टिंग कर रहे हो? वही ना दाऊद भी किया। दाऊद ने क्या किया? राजा होने के द्वारा दूसरा समूएल 12:11-12 अध्याय अगर पढ़ते हैं तो देख सकते हैं अपने जीवन की फायदाओं के लिए उसने क्या किया, किसी और की पत्नी को लेकर उसने क्या कर दिया, अपने घर में लाया और उसके साथ शादी भी कर ली। उतना ही नहीं, उसके पति को भी मार डाला। ये करने के बाद भी राजा चुपचाप कहाँ बैठा है? सिंहासन के ऊपर बैठकर वो प्रार्थना वीर के समान लोगों को न्याय दिखा दे रहा है, लोगों के लिए वो कर रहा है, ये कर रहा है, ये वो सब। तब कौन आया? भविष्यवक्ता नाथान आए। नाथान आकर 12वां अध्याय में कहानी बोलना शुरू किए। कहानी सब बोलने के बाद पूछे, उस कहानी का एक शब्द पूछे तो तब दाऊद बोल रहे हाँ वो गलत है वो कर। तो तुरंत नाथान ने क्या, वो गलती तूने किया राजा। अरे जब दाऊद अपने अंदर इतना बड़ा गलती करके छुपा के रखा है, तब दूसरा का उस कहानी के वहां पे एक कहानी बताया गया, उस कहानी में किसी की भेड़ के बारे में कहानी है, उसका नष्ट हो जाता है तो उसको 4 times देने के लिए ये दाऊद क्या करता है, न्याय दे देता है, जजमेंट दे देता है। तब नाथान बोलता है अरे बाबू तू अपना हिस्सा पहला ठीक कर, फिर दूसरों को ठीक करने के लिए जा। तुरंत दाऊद ने क्या किया, अपनी गलती स्वीकार कर लिया, वो अपने आप को तैयारित किया, वो अपना जीवन को क्या किया, परमेश्वर के निकट माफी का योग्य बनाकर अपने जीवन को तैयारित किया। वो चाहिए आज कलीसिया के अंदर, स्टॉप प्लेइंग योर हिपोक्रेटिकल एक्टिंग क्लासेस। तेरा एक्टिंग क्लासेस चर्च के अंदर बंद करो, तेरे जीने में तो बंद करो, शो योर रियलिटी। No, जब मैं आराधना नहीं करता हूं मैं तुम्हें कैसे आराधना के बारे में बोल सकता हूं? जब मैं अन्य भाषा नहीं बोलता मैं तुम्हें कैसे अन्य भाषा बोलने के लिए तुम्हें प्रोत्साहन दे सकता हूं? जब मैं वचन के हिसाब से चलता नहीं तब मैं कैसे तुम्हें वचन के हिसाब से चलवा सकता हूं? जब मैं सुसमाचार नहीं बोलता मैं तुम्हें कैसे बोल सकता हूं कि तुम जाके सुसमाचार कहो? पहले हमारे आंखों के अंदर की उस बड़ी बड़ी लकड़ियों को निकालो और लोगों के अंदर की छोटी छोटी घासों को क्या करो, निकाल कर एक मन बनकर कलीसिया में योगदान पाओ। ऐसे भाइयां कलीसिया को चाहिए, ऐसे भाइयां कलीसिया के अंदर जरूरी है। हिपोक्राइट्स नहीं, कपटी नहीं, ओरिजिनल ब्रदर्स जो सुख में दुख में सब परिस्थितियों में साथ देने वाली हिस्सा दे सकते हैं। ऐसे बने भाइयों के समान कलीसिया भरे। हेलो, वो है परमेश्वर चाहने वाली ही भाईचारा। इसलिए आज मैंने भाईचारे के बारे में पहले जो बताया, जो कि सूखी नाले के समान, जो कि दुष्टता से पूर्ण वाले लोग, नहीं तो सीजन सीजन में बहने वाली नाली के समान कितने भाई लोग हैं, और कितने भाई लोग कैसे हैं, वो लोग आप क्या केयरलेस, बहुत केयरलेस आत्मिक जीवन में केयरलेस बने हुए भाइयां। तीसरी वाले कपटी जैसे भाइयां। इन तीन तरीकों का जो भाईचारा अगर हमारे अंदर है, आज परमेश्वर से बोलेंगे इन चीजों को हटा दूर फेंकने के लिए। मुझे एक अच्छे भाई बनकर परमेश्वर बहता हुआ नाली के समान हर साल हर समय हर दिन बहते रहना चाहिए। तेरी आत्मा की अभिषेक में बहना चाहिए, तेरी वचन की गहराई में मुझे बहना चाहिए। लोगों को ही बहाने के हिसाब से, बहाने की देने की अनुमति देने के हिसाब से मुझे भी प्रचोदन कीजिए बोलकर परमेश्वर के सन्निधि में समर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय तेरे वचनों के साथ हम आधारित होकर बहुत कुछ हम सीखे। देखे परमेश्वर, केयरलेस भाइयों के बारे में हमने सुना जो कि कलीसिया को भाईचारा को तोड़ रहे हैं परमेश्वर, और हमने सुना परमेश्वर बहुत सारे भाई लोग हैं जो आत्मिक रीति में सूखे पड़े हैं, अभिषेक के विषय में सूखे पड़े हैं, और उनके जीवन में सीजन सीजन
में वो लोग सुखाव अनुभव करते हैं। वैसे परिस्थिति अगर हमारे अंदर है, परमेश्वर उसे दूर हटाइए। हमारे अंदर एक्टिंग की कुछ भी तत्व है, उन तत्वों को दूर हटाइए परमेश्वर। हम अच्छे कलीसिया में, कलीसिया के अंदर भाइयों के हिस्सा में, अच्छी भाईचारा के हिसाब से जीने के लिए हमें सहायता दीजिए, बोल के प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। तेरी कलीसिया का सेवकाई को पूरी तरीके से पूर्ण करने के लिए हमें भी मकसददारी बनाइए, स्पिरिचुअली हम का हर काम में मकसदी बनने के लिए, फ्रूटफुल बनने के लिए, फलपूर्ण बनने के लिए हमें सहायता दीजिए। आदर और महिमा सब कुछ आपके हाथ में हम सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन, हालेलुया।